हाय, क्या हाल है? मैं बस एक लिस्ट बना रही थी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिंदगी में जो हम करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमने ना अपने बड़ों को देखकर सीखी है, और जिन बातों का कोई अवार्ड नहीं मिलता, अवार्ड तो दूर की बात, कोई नोटिस भी नहीं करता। ऐसी कितनी सारी चीजें होती है, बहुत लंबी लिस्ट है पता है। कुछ ऐसी चीजें जो माँ से सीखी, कुछ ऐसी चीजें जो हमने बाबा को करते देखी, और बड़े होते होते हमें ये लगा कि शायद सही तरह से जिंदगी जीने का यही तरीका है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जमाने के साथ जैसे वक्त बदलता है, लोगों में बदलाव आता है, हर एक दौर का अपना तरीका होता है जिंदगी जीने का। अगर हम आज से 25 या 30 साल पहले वाला तरीका अपनाएं तो आज के वक्त के साथ कैसे चलेंगे? नहीं हो सकता ना। आई नो, हम में से ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कश्मकश में रहते हैं कि सही करना जरूरी है या जो हमें अच्छा लगे वो करना जरूरी है ना? तो पता है इस लिस्ट में सबसे पहले क्या आया, जिस बात का वर्ड नहीं मिलता, ना कहने का। अक्सर हमने देखा है कि अपने कंफर्ट के लिए जब हम मना करते हैं कि यार ये चीज नहीं हो सकती, या मेरे लिए ये मुश्किल है, या मैं नहीं आ पाऊंगा, या मैं नहीं आपको ये चीज दे सकती, या कुछ भी, आप जब भी मना करते हैं ना किसी चीज को लेकर, विलन बनने की पहली सीढ़ी होती है वो। और हमें तो बचपन से सिखाया है अच्छा बनो, हीरो बनो, सही करो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हमें ये कोई सिखाता ही नहीं है कि कभी कभी अपनी संतुष्टि, अपनी शांति के लिए, अपने सुख के लिए, कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां नो, ना, इनका उपयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, आदमी हो या औरत, शांति तो दोनों ही डिजर्व करते हैं, प्यार दोनों ही डिजर्व करते हैं, इज्जत दोनों ही डिजर्व करते हैं, दोनों का हक है, फिर चाहे वो घर हो या रिश्ते हो या दफ्तर। दूसरी चीज जो इस लिस्ट में आती है ना, जिसका अवार्ड नहीं मिलता, वो है हर चीज हर हालात में एडजस्ट कर लेने का, चेहरे पर मुस्कान के साथ। मुझे उन लोगों पे बहुत दया आती है जो बस ये कोशिश करते हैं कि यार फसाद ना हो, बवाल ना मचे, यार हमारी वजह से ना लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अपने को शांति चाहिए, और वो बेचारे एडजस्ट कर लेते हैं। भोले भंडारी जो सबको खुश रखना चाहते हैं, पूरी उम्र निकल जाती है, कोई ये नहीं कहता कि यार इसकी वजह से ना चीजें आसान हो जाती है, इसकी वजह से तकलीफ के समय जिंदगी थोड़ी हल्की हो जाती है, भार जो होता है वो निकल जाता है, मैनेज हो पाता है, कोई नहीं कहता। और हम सभी जानते हैं कि ऐसे लोग होते हैं। शायद आप इस वक्त सुन रहे हैं तो कह रहे हैं कि हाँ एकता, मेरे केस में ये सच बात है, कोई समझता ही नहीं है, है ना। तीसरी बात जो इस लिस्ट में आती है वो है नींद नहीं ली। अब ये बात जो है ना, वो ऐसी है कि ज्यादातर हमने हमारे घर की औरतों को देखा है, माँ से शुरू करते हैं। घर में बड़ी दीदी होती है, मासी होती है, बुआ होती है, बहुत से रिश्ते होते हैं, शुरुआत यहां से होती है। पिता भी होते हैं, बड़े भाई होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। कोई ये नहीं देखता कि यार इसने ना कितने सालों की ना चैन की नींद नहीं ली है, बस जिम्मेदारियां निभाते निभाते। अब बताइए, ये जो नींद का कर्जा है, क्या ये कोई उतार सकता है? जब किसी ने आपके सुख के लिए अपनी नींदें दे दी हो, कितना मुश्किल है। ये कर्जा तो हम कभी नहीं उतार सकते। रात रात को जागकर आपको पढ़ाई के समय आपका साथ देना, या कोई भी मुश्किल है, आर्थिक परेशानी है, शारीरिक मुश्किल है, एनीथिंग इट कैन बी, कोई अपनी नींदें कुर्बान करे, कितना बड़ा कर्ज है ये। तो ये जो एडजस्ट कर लेना, कभी ना ना कहना, अपनी नींदें वो करना, सबके साथ मैनेज कर लेना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लंबी सी लिस्ट बनती है, जिन बातों के अवार्ड्स नहीं मिलते। बस एक दोस्त की हैसियत से इतना जरूर कहूंगी कि यार थोड़ा बदलाव ना लाना चाहिए अपने अंदर। तुम्हें भी सुख का, खुशियों का पूरा अधिकार है, थोड़ा सा अपने लिए जीना भी शुरू करो।
विलन नहीं बन जाओगे। और मैं तो कहती हूँ कोई बात नहीं, 100% हीरो बन के क्या ही कर लोगे, 20% विलन बन के भी रहो, बैलेंस बना रहता है। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और ऐसी एक टॉक्स हर रोज़ सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई और बातें हों तो मेरे इंस्टाग्राम एकता इन लव पर मुझे DM भी कर सकते हैं। आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। खुश रहें, अपने परिवार का और अपना पहले ख्याल रखें।